जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फिर से एसएससी की 12,000 प्लस पदों पर भर्ती आपके सामने आ चुकी है। अब आप कहोगे सर ऐसा नोटिफिकेशन तो हमने देखा ही नहीं कि जिसमें 12,000 भर्तियां आ गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसएससी एमटीएस की भर्ती आ गई और जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो डर रहे हैं कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, इस कारण हम एसएससी एमटीएस का फॉर्म भी अप्लाई नहीं करेंगे। देखो एसएससी जीडी की भर्ती तो साल में एक बार लगभग या दो साल में एक बार ही आपको मिल पाती है, लेकिन एमटीएस की भर्ती हर साल आती है, एसएससी सीएचएसएल की भर्ती हर बार आती है। तो ये छोटी छोटी भर्तियों का आपको ध्यान रखना है, विशेषतर जो हर साल साल में एक बार दो बार एमटीएस हवलदार इनकी आपको भर्ती मिल जाती है, एसएससी सीजीएल की भर्ती आपको मिल जाती है। लेकिन आप डरते हैं, आप सोचते हैं हमें मैथ नहीं आती, हमें रीजनिंग नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें जीके नहीं आती। अरे कुछ नहीं आता तो फिर तो आपको तैयारी करना छोड़ देना चाहिए। अगर आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो देखो आज मैं एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरवा के ही छोड़ूंगा आपसे, आपको एप्लीकेशन इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना, एप्लीकेशन आपको इसका भरना पड़ेगा, फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। क्यों भरना है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको तैयारी सिर्फ इंग्लिश की ही करनी है, बाकी तीनों सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं। क्या क्या है इसमें, क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस वीडियो में आपको पूर्णतः मिलेगा। और साथ में मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि कमांडो अकेडमी ने ऑफलाइन बेच भी शुरू कर दिए एसएससी एमटीएस के लिए। एक शॉर्ट टाइम बेच है जिसकी 3 महीने की फीस मात्र 35,000 रुपए है और एक लॉन्ग टाइम बेच है 1 साल का जिसमें ऑल एग्जाम की आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। एक बहुत ही अच्छी जगह है कमांडो एकेडमी, जहां आप बहुत ही अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, यहां आपकी निरंतरता बनी रहेगी। 1 साल वाले बेच की फीस 1,30,000 रुपए है, बाकी आपको नीचे नंबर दिए हुए उन पर आप संपर्क करके बेच के बारे में जानकारी ले सकते हो। एसएससी एमटीएस का बेच भी 1 फरवरी से का शुरू हो रहा है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां से देखिएगा, देखो एसएससी एमटीएस 2023 भर्ती आ गई। अब देखिएगा 75% एसएससी जीडी का काम आएगा, 25% ही तो पढ़ना है, 75% तो किसका काम आएगा, बस 25% की तैयारी करनी है। अब आप कहोगे सर 75% कौन सा पढ़ा दिया आपने, कब रात को पढ़ा दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 75% में आपकी मैथ रीजनिंग और जीके, मैथ रीजनिंग और जीके। अब एक नया सब्जेक्ट आपको जो पढ़ना है वो मात्र है इंग्लिश सब्जेक्ट, अंग्रेजी सब्जेक्ट आपको अच्छे से 25% जो आपका हिस्सा रहेगा। अब यहां से देखिएगा 75% हमने पढ़ा रखा है आपको, बस अंग्रेजी की तैयारी कर लो और एसएससी एमटीएस में नौकरी पा लो, बहुत ही अच्छा। अब आप कहोगे सर इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, अब तो हमारा पूरा विचार हो गया सर फॉर्म भरने का, आपने इतना मोटिवेट हमें कर दिया। तो फॉर्म 18 तारीख से भरे जा रहे हैं, 18 जनवरी से और 17 फरवरी 2023 तक भरे जाएंगे। सर परीक्षा कब होगी हमारी, तो अप्रैल 2023। अरे इनका शेड्यूल फिक्स होता है एसएससी का, ऐसी भर्तियों का शेड्यूल भी क्या होता है मेरे दोस्त, फिक्स होता है। तो अब घबराना नहीं है, 17 फरवरी से पहले पहले, आज कितनी 25 जनवरी, आपको क्या करना है, आज ही ई मित्र पर जाकर अपना फॉर्म फिलअप करवा लेना है। मात्र 100 रुपए फीस और 50 रुपए उसका चार्ज, मान लो 150 रुपए में आपका फॉर्म भरा जाएगा। नजदीक वाला कोई सेंटर दे देना, 150 रुपए तुम्हारा जाने आने का खर्च, 300 रुपए में एक परीक्षा अपने आप को जांचने की, अपनी मेहनत को जांचने की तुम्हें मिलेगी। अब यहां से देखिएगा आगे की प्रोसेस में आपको बताता हूं कि क्या है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। क्या सर अगर हम 10th पास ही इसका फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप 10th पास फॉर्म भर सकते हो। फीस मात्र कितने रुपए रखी गई है, 100 रुपए इसकी रखी गई है। सेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब ध्यान रखना क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका जनरल कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी के लिए 25% और अदर के लिए 20%। कौन से में, सेशन फर्स्ट, देखो पेपर एक ही होगा लेकिन पेपर एक में दो सेशन होंगे 45 मिनट के, एक 45 का दूसरा भी कितने मिनट का, 45 मिनट का। अब आप देखना सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, तो अगर आपको एमटीएस के लिए जस्ट सेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्वालिफिकेशन, यानी आपको फर्स्ट और सेकंड क्लियर करना है फॉर एमटीएस के लिए, हवलदार के लिए आपको सीबीटी भी और साथ में आपका फिजिकल भी होगा, सीबीटी तो होगा ही साथ में आपका क्या होगा, फिजिकल भी होगा। अब देखना फिजिकल में आपसे अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो पीएसटी में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, सर हमसे तो रनिंग नहीं होती, हम सिर्फ चल ही सकते हैं, तो भाई इसमें वॉकिंग करना है आपको, वॉकिंग करना है, वॉकिंग देखो इस प्रकार करना है कि मेल को तो 1600 मीटर 15 मिनट
आर्मी वाले धावक है ना 1600 मीटर को 15 मिनट में 3 बार निकाल देते हैं। कितनी बार? 3 बार, यानी 4800 मीटर के लगभग वो निकाल देते हैं। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट, आराम से चल के जाओ, सॉन्ग सुनते सुनते जाओ, वॉकिंग करते करते वापिस आ जाओ। मतलब दौड़ नहीं है, रनिंग नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉकिंग बोलते हैं। अब देखिएगा, मेल के लिए सर मेरी हाइट कम है, अरे कम हाइट वाले भी तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, मात्र 157.5 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए लड़के के लिए। अगर कोई लड़की है, फीमेल है, तो उसको मात्र 152 सेंटीमीटर। अगर आपकी कम हाइट है तो कम हाइट वालों के लिए भी एसएससी एमटीएस एक अच्छा मौका है, जिनकी हाइट कम है। जैसे एसएससी जीडी में 170 सेंटीमीटर नॉर्मल चाहिए आपको या 165 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन इसमें तो मात्र 152 सेंटीमीटर, यानी छोटे लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनका कद छोटा है मेरी तरह। अगला देखिएगा हाइट, हाइट के बारे में आ गया। अब चेस्ट, चेस्ट मेल का 81 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, एक्सपेंशन का मतलब होता है फुलाव, है ना। और वेट आपको कितना चाहिए? लगभग 40। ये तो देखो बाद की बातें हैं, ये सब क्लियर हो जाती है, लेकिन ये किसके लिए? पीएसटी। आप कहोगे सर ये हवलदार पोस्ट के लिए। ये किसके लिए है? मात्र एमटीएस में आपका कोई भी फिजिकल नहीं होगा, केवल सेशन फर्स्ट होगा, केवल सेशन सेकंड होगा। अब देखिएगा, अब आप कहोगे सर पेपर का किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, पेपर के पैटर्न के बारे में तो बता दीजिए। तो पेपर पैटर्न में 20% गणित के रहेंगे, 20% किसके रहेंगे? तर्क संकति को हम बोलते हैं रीजनिंग। किसके रहेंगे? रीजनिंग। इसको हम सेशन फर्स्ट बनाएंगे। ये 20 और 20 40 क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेशन में आएंगे। पेपर एक साथ ही होगा, पेपर एक ही होगा, लेकिन उसमें 2 सेशन होंगे। फर्स्ट सेशन में मेरे ध्यान रखना दोस्त, 20% गणित और 20% रीजनिंग, लेकिन फर्स्ट सेशन में 9 नेगेटिव मार्किंग, समय 45 मिनट का ओनली। पहले सेशन के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 40 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। समझ गए मेरी बात को अच्छे से? तो ऐसे आपको फर्स्ट सेशन की देख लिया। अब इसमें ध्यान रखना ये ओनली पासिंग है, ये ओनली क्या है? पासिंग। अगर आप फर्स्ट क्वालिफाई करते हो तो ही आपका सेकंड का मान्यता होगा, वरना मान्यता। मतलब मैथ रीजनिंग आपको आ रही है, और मैथ रीजनिंग सेम जो आपने एसएससी जीडी एग्जाम के लिए पढ़ी, वही आपकी एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ी, वही मैथ रीजनिंग इसमें आएगी। अब बात रही यहां पर कि 25% सामान्य ज्ञान के आएंगे सेशन सेकंड में। सेशन सेकंड में ध्यान रखना, सेशन सेकंड 45 मिनट का होगा, 25% जीके या जीएस के आ जाएंगे, जीके जीएस के आ जाएंगे, और 25% अंग्रेजों वाली भाषा अंग्रेजी के आ जाएंगे। टोटल इसके लिए भी आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितने मिनट का? 45 मिनट का टाइम आपको यहां से दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अरे समझ गए। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। आप कहोगे सर ये कैसी नेगेटिव मार्किंग? तो ध्यान रखना एसएससी एमटीएस में आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं? 3 अंक मिलते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1/3 अंक की आपकी कटौती कर ली जाएगी, यानी 3 अंकों वाले प्रश्न में 1 अंक आपका काट लिया जाएगा एक गलत प्रश्न के लिए। लेकिन ध्यान रखना अगर फर्स्ट सेशन आप क्वालिफाई करते हो तो ही सेकंड आपका काम आएगा, वरना ये आपका काम नहीं आएगा दोस्तों। आपको फर्स्ट की भी अच्छी तैयारी करनी है। अब देखो पढ़ना क्या है? अंग्रेजी तो पढ़ना है। मैंने सही बोला ना, मैंने कहा देखो अंग्रेजी पढ़ना है, और बिल्कुल आपको अंग्रेजी ही पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना। आपको बाकी सब्जेक्ट तो आपने पढ़ रखे हैं, अब रिवाइज करना है उनको, तो पढ़ना तो केवल इसको ही है। ये अपना आ गया कमांडो एकेडमी का। अगर आप 100 टाइम के लिए यहां आकर तैयारी करने चाहते हो तो बैच स्टार्ट है 1 फरवरी से। बैच स्टार्ट कब से है मेरे दोस्त? 1 फरवरी से आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल, जिसमें एक 3 मंथ्स का बैच है, 3 महीने का बैच है जिसकी फीस 35,000 है, एक 12 महीने का बैच है जिसकी फीस 1,30,000 रुपए है। कितनी है? 1,30,000 रुपए, है ना। तो दोनों ही बैच 100 टाइम के लिए भी आ सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए भी, इसमें ऑल एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। और ध्यान रखना कमांडो एकेडमी ऐसा स्थान है, कमांडो एकेडमी ऐसा मान लो सिलेक्शन वाला स्थान है। कमांडो एकेडमी में निरंतरता, कंटिन्यूटी, आपको सुबह 4 बजे से लेकर रात्रिकालीन 11 बजे तक आपकी स्टडी करवाना, टीचर्स हर समय आपके सामने अवेलेबल रहना, आपके डाउट सोल्व करना, एक एक बंदे को मैथ रीजनिंग सिखाना, जोड़ घटाव से लेकर टेबल पहाड़
शैडो से लेकर स्क्वायर क्यूब से लेकर हर चीज आपको मैथ में सिखाना प्रत्येक। और मेन बात यह कि विद सेम के सेम आंकड़ों के साथ में परीक्षा में क्वेश्चन छपना, यही तो कमांडो एकेडमी की पहचान है, तभी तो यहां से सिलेक्शन जाते हैं हर भर्ती में अच्छे अच्छे। तो आज ही अगर आप चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कॉलिंग टीम से भी आप इस बारे में पूछ सकते हैं, बैच के बारे में। बहुत ही शानदार बैच आपका 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, आप सबका वेलकम है। जो कम फीस वाले हैं वो हमसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कि जिनकी स्थिति नहीं है यहाँ आने की, जो 35,000 या 1,30,000 रुपए फीस पे नहीं कर सकते, वो अपने घर पर भी निरंतर पढ़ सकते हैं, वो हमारे बेच से जुड़ सकते हैं। बेच में आपको मैथ रीजनिंग जीके सारी मिलेगी, और देखो ये एक बहुत ही अच्छा बेच होता है। अब मैं गारंटेड तो नहीं कह सकता इसको, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने साफ साफ खंडन कर दिया कि आप 100% गारंटी के बारे में नहीं कह सकते, और उनका कहना भी ठीक है। तो ऐसी बात को हमेशा समझना है कि बेच आपका सुनिश्चित है, सफलता आपकी सुनिश्चित है, मेहनत करोगे तो मेहनत कभी धोखा भी नहीं देती, ध्यान रखना। मेहनत ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, लक भाग्य धोखा दे सकता है, लेकिन मेहनत कभी धोखा नहीं देती। आपको हम मेहनत करवाएंगे अच्छी खासी, आप स्वयं उसमें लगे रहोगे, आप अपना 100% दोगे, हम अपना 100% देंगे, वो दोनों मिलकर 200% बन जाएंगे, यानी वही आपकी सफलता। सफलता होती क्या है? सफलता दिन प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों का योग होती है। छोटे छोटे अगर आप जो प्रयास कर रहे हो उन्हीं की उन्हीं का योग तो क्या होती है, सफलता। तो दिन प्रतिदिन आपको मेहनत करते जाना है, मेहनत पे विश्वास रखना। देखो पेपर ला दूंगा, पेपर वहां से दे दूंगा, वो बातें सारी उनका खंडन करो, है ना, कि वहां पेपर मिलते हैं, नकल हो जाएगी, चिटिंग हो जाएगी, वो छोड़ो। आपको मेहनत करनी है, अगर आप मेहनत कर रहे हो पेपर कैसा भी आएगा, आप पेपर में फतेह करके आओगे, पेपर को आप जीत लोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। कि अगर आप मेहनत करते हो दिल से, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं, आईएएस यूपीएससी एग्जाम से लेकर आरएस राजस्थान से, कोई सा भी बीपीएससी बिहार के लिए, कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और एक लंबे टाइम तक आपको निरंतर कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। एक ऐसे प्लेटफॉर्म से आपसे जुड़ना होगा जो एक लंबे टाइम से उसी सेक्टर में पढ़ा रहा है और बहुत ही अच्छी चीज आपको पढ़ा रहा है। तो सब देखो, सभी को मेहनत करनी है, कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिन में जुलून सा जगाना पड़ता है, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो तिनका तिनका उठाओगे ना, तो एक दिन अपना घोंसला बना लोगे, एक दिन अपना महल चुन लोगे। तो एक बार सभी को जय हिंद, जय भारत।